गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आपकी कक्षा है पहली कक्षा, हाँ? और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है। आपको हिंदी का पीरियड बहुत अच्छा लगता है, हाँ? वेरी गुड। तो अभी हम कुछ नए करों की आज पहचान करने वाले हैं। तो आपके पास यह बुक होगा, सबके पास है यह बुक? वेरी गुड। तो ये बुक निकालो सब। हाँ मेरे अच्छे बच्चे, वेरी गुड, सबने निकाला बुक, वेरी गुड। तो अभी इस बुक में पेज नंबर आप 46 देखिए। तो इस पेज पर आपको एक चित्र दिखाई देगा। तो ये किसका चित्र है बताओ बताओ? हाँ ये जहाज का चित्र है। तो ये जो जहाज है जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शिप बोलते हैं। और वो बड़ा विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, हाँ? और ये कहाँ कहाँ होता है? ये समंदर में होता है, ठीक है? तो ये जो जहाज होता है, यह जहाज जो शब्द है ये बनाने के लिए हम ज वर्ण की शुरुआत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ज वर्ण का इस्तेमाल करते हैं। और इस शब्द की जो शुरुआत है, जहाज, इस शब्द की जो शुरुआत है वो ज वर्ण से होती है, ठीक है बच्चों? तो हम ज से जहाज, इस वर्ण की आज पहचान करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आप यदि ब्लैक बोर्ड पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ज वर्ण दिखाई देगा, ठीक है? और यहाँ पे यह मैंने जहाज का चित्र निकाला है, ठीक है? और यहाँ पे हाज ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे कौन सा वर्ण लिखना है? ज वर्ण लिखना है। कौन सा वर्ण लिखना है? ज। और ज वर्ण लिखने से मैं आपको अच्छे से ज ऐसे उच्चारण करके अच्छे से जहाज इस तरह से आपको इसका अध्ययन करना है, ठीक है? तो ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज, इस प्रकार आप बोल बोल कर आपको ये अच्छे से क्या करना है? लिखना है, ठीक है बच्चों? इसके बाद बारी आती है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में यहाँ पर बड़ा जहाज दिखाई देगा, हाँ? तो इसको आपको क्या करना है? क्रेयॉन से कलर करना है, क्रेयॉन कलर का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे क्या लिखना है? ज। कौन सा वर्ण लिखना है? ज। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि ज से सिर्फ जहाज यही एक शब्द तैयार होता है क्या? यही एक शब्द की शुरुआत होती है क्या? बिल्कुल नहीं। ज वर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। यदि आप हमारी वर्कशीट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ज से जहाज, ये तो अभी मैंने पढ़ाया है ना, हाँ? तो ज से जो, इसके बाद है ज से जलेबी। कैसी होती है? बहुत मीठी होती है और आप सभी को अच्छी लगती है ना, हाँ? उसके बाद जूते, जो कि हम स्कूल में स्कूल शूज हम पैर में डालते हैं ना, हाँ? जूते, जूते यानी कि शूज, ठीक है? और यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार ज से शुरू होने वाले आपको शब्द दिखाई देंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो आपको इसकी पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है? इसके बाद हमारा दूसरा वर्ण है आज का झ। कौन सा वर्ण है? झ, जो कि पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 पे है, ठीक है? तो ये झ यानी कि क्या है? झ, झ इस वर्ण से कई सारे शब्द तैयार होते हैं, ठीक है? तो ये झ वर्ण है। और यहाँ पे कौन सा चित्र है? झंडे का चित्र है ना बच्चों? हाँ, तो देखो, झ से झंडा तिरंगा न्यारा, हम सबको प्राणों से प्यारा। और एक बार बोलेंगे, हाँ, झ से झंडा तिरंगा न्यारा, हम सबको प्राणों से प्यारा। तो यह यहाँ पे एक झंडा दिखाई देगा और यह है तिरंगा झंडा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है?
और ये जो तिरंगा है, ये जो झंडा है, इसमें कितने कलर होते हैं, कितने रंग होते हैं, तीन रंग होते हैं, ठीक है। और इसके बीचों बीच होता है अशोक चक्र। हाँ, तो हमारे जो झंडा है, तो झंडा यह शब्द भी झ वर्ण से शुरू होता है। कौन से वर्ण से शुरू होता है? झ वर्ण से, ठीक है बच्चों। अब झ वर्ण से सिर्फ झंडा यही एक शब्द की शुरुआत होती है क्या? बिल्कुल नहीं, झ वर्ण से कई सारे शब्दों की शुरुआत होती है। जैसे कि यहाँ देखो, झ से क्या आता है? झाड़ू। हाँ, और झ से झरना। और यहाँ पे आप वर्कशीट पे देखोगे तो झ से झंडा अभी हमें मालूम है, झ से झरना, हाँ, झ से झाड़ू, ठीक है। ऐसे ही इस प्रकार से आपको झ वर्ण के कई सारे शब्द यदि आप ढूंढोगे तो आपको मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले आज हमने क्या किया, ज वर्ण की हमने पहचान की, और ज वर्ण के बाद हमने झ वर्ण की पहचान की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, तो यहाँ एक्टिविटी में क्या लिखा है, तो यहाँ पे आपको झ लिखना है, और इस पिक्चर को, इस चित्र को अच्छे से क्या करना है, रंग भरना है, ठीक है। इस चित्र में आपको रंग भरना है। हाँ, तो यह यहाँ पे आपको कौन सा वर्ण लिखना है? झ, यस। चलो देखो किस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सभी के समझ में आ गया? हाँ, मुझे मालूम है आप सभी बहुत होशियार हो, हाँ, और अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, है ना। हाँ, अभी यह देखो, जो पहला वर्ण हमने कौन सा सीखा, जो 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 से जहाज। तो हम जहाज का अभी क्या करेंगे, गाना बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीन पंक्तियां दी हुई है, सबका ध्यान है इधर, तो चलो मेरे साथ बोलो। ज से जहाज बड़ा विशाल ले जाता सागर के पार। बहुत मीठा लगता है ना। हाँ, और एक बार हम बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ज से जहाज बड़ा विशाल ले जाता सागर के पार। तो ये जो जहाज है वो कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है, समुद्र में। यहाँ पे सागर यानी कि समुद्र, ठीक है। और वो बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, ठीक है बच्चों। तो पहला वर्ण हमने सीखा आज ज, और उसके बाद हमने कौन सा वर्ण सीखा, झ। और इसके बाद ये आपके समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी बारी आती है हमारे नोटबुक की। हाँ, आपके पास इस तरह से नोटबुक है, सबके पास है ना। हाँ, तो इसमें आपको गुड हैंडराइटिंग में इस तरह से गुड हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। और जो बच्चे अच्छे से इसको छुड़ाएंगे उन्हें मैं क्या देने वाली हूँ, आपको मालूम है? हाँ, मैं उन बच्चों को देने वाली हूँ बड़ा स्टार। इस तरह से बड़ा स्टार देने वाले हो, तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, तो इस नोटबुक में आप सब लिखोगे, है ना। हाँ, इसके बाद हमारी बारी आती है हमारे वर्कशीट की। हाँ, तो वर्कशीट भी बहुत हमारी आसान है। यहाँ पे देख देख कर, बोल बोल कर आपको क्या करना है, गुड हैंड राइटिंग में अच्छे से ये वर्ण लिखने हैं, ठीक है बच्चों। और बोलते समय, लिखते समय आपको क्या बोलना है, जो से जहाज, जो से जो, जो से जलेबी, जो से जूते। हाँ बच्चों, इस तरह से आपको ये दोनों पेज अच्छे से छुड़ानी है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ण, तो जो से झंडा, जो से झरना, जो से झाड़ू, इस प्रकार बोल बोल कर आपको यहाँ पे गुड हैंडराइटिंग लिखना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अच्छे से आप पढ़ाई करो। अभी और एक बात मुझे आपसे कहनी है, तो क्या कहनी है मालूम है आपको? हाँ, तो इस झ
तीस पन्ने पर आपको एक वर्ण दिखाई देगा। तो इस वर्ण से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ हमारे सिर्फ लेखन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इस पर आपको कोई वर्कशीट छुड़ानी नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग बोलोगे हमारे पास वर्कशीट कहाँ है, ऐसा बोलोगे। हाँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि यह जो वर्ण है य, कौन सा वर्ण है य, लेकिन य की कोई वर्कशीट नहीं है, ये बिल्कुल खाली रहता है। कैसे रहता है? बिल्कुल खाली। इस वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है बच्चों। चलो अब पढ़ो मेरे साथ। य खाली की सुन लो बात, खाली रहती दिन और रात। य खाली की सुन लो बात, खाली रहती दिन और रात। यानी कि य वर्ण से वो कैसा है? खाली है। इससे को इस वर्ण से य वर्ण से कोई भी शब्द की शुरुआत बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसका सिर्फ आपको क्या करना है? लेखन करना है, इसको आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ाई समझ में आई होगी। हाँ, और यहाँ की एक्टिविटी भी बहुत आसान है, इसको सिर्फ ट्रेस करना है और आपको यहाँ पे रंग भरना है। हाँ, लेकिन काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है। आपको जो कलर, आपको जो रंग अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। और रंग कौन से होते हैं बताओ? लाल, हरा, नीला, पीला, इतने सारे रंग होते हैं, है ना। हाँ, तो इसका इस्तेमाल करके इसको अच्छे से रंग भरो, ठीक है बच्चों। तो आज हम यही रुकने वाले हैं और यहाँ तक ही पढ़ाई करने वाले हैं। इसके आगे की पढ़ाई हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो बच्चों घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ाई भी करो।